हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने है ये गाड़ी, बताने की ज़रूरत नहीं। ये बाइक जो है वो देख के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो ये बाइक लेते हैं, ये लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो बाइक है वो बुलेट है, और बुलेट लेना कौन नहीं पसंद करता। सबकी जो है वो फेवरेट, मतलब जो पसंद होती है पहली, बुलेट होती है। अभी सामने देख रहे हो गोल मोटर से दी हुआ हैलोजन प्लेसमेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो कॉर्नरिंग आपको जो है वो आपको देखने को एक्सेसरीज के तौर पे मिल जाता है। अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद जो है, पहली पसंद होती है, वो पहली बुलेट ही होती है। मतलब पहले जो है यूनिकॉर्न रखते हैं, वो छोटी मोटी जो है होंडा की बाइक रखते हैं, या फिर होंडा यूनिकॉर्न रखते हैं, स्प्लेंडर रखते हैं। उसके बाद जो दूसरी सेकेंडरी ऑप्शन जो बन जाता है वो बुलेट रखते हैं, रॉयल एनफील्ड की, ये दूसरा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन सबकी जो पसंद होती है, दूसरी हो जाए पहली हो, रॉयल एनफील्ड की बुलेट ही होती है। और उसके बाद जो शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बाइक में शिफ्ट हो जाते हैं, स्पोर्ट्स बाइक में होता है, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में होते हैं। अभी सामने देख रहे हो रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी, और जो है वो क्लासिक 350 बुलेट देख रहे हो, जो 20.70 पीएस की पावर जनरेट करती है 3500 RPM में, और 21 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करती है। अभी ये जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट है, राजदूत माना जाता था उस टाइम में, मतलब उस टाइम की प्राइस सेगमेंट में जो है 350 सीसी में आती थी। अभी भी स्टिल जो है वो क्लासिक 350 बुलेट जो है वो अभी भी चल रही है मार्केट में, बहुत सारे बंदे ले रही है। और इसको देख के भाई साहब, ये नाम देख के, क्लासिक 350 देख के, 4-valve एयर कूल्ड इंजन यहाँ पे आ जाता है मन में। और ये जो इंजन है इसको कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे, जो ये पूरा का पूरा आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, लेकिन इसको आप चेंज करवा के कंपनी मॉडिफिकेशन चेंज कर सकते हो, बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो इसमें। मतलब जैसे चाहे वैसे आपको जो है फायरिंग मिलती है पर्टिकुलर इंजन की। ये जो है वो एयर ऑयल्ड कूल्ड इंजन आप DOHC पे चलता हुआ देख सकते हो, यहाँ पे रेडिएटर की प्लेसमेंट नहीं आती। ये जो पर्टिकुलर इंजन है वो 4-valve का इंजन देख रहे हो आप, जो करीबन 21.70 BHP जनरेट करता है 3500-4000 RPM में, ये वाला पर्टिकुलर इंजन, ये एयर ऑयल्ड कूल्ड इंजन आप देख रहे हो पर्टिकुलर। लेकिन ये जो है वो अभी शेप देखते हो जो है रॉयल एनफील्ड का, बहुत सारे सालों के बाद, गुजरने के बाद 7-8 साल हो गए लमसम मार्केट में, अभी भी राज करे हुए, लेकिन ये जो शेप है वो अभी भी स्टिल वैसे की वैसे बरकरार है। मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अभी इसकी प्राइस सेगमेंट में अभी नई आई हुई गाड़ी आप देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड की हंटर आई हुई है, या फिर 750 जो बुलेट आई हुई है, थंडर बर्ड आई हुई है, उसके चेंजेस हो गए बहुत सारे, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस हो गए, जो यहाँ पे किक वगैरह नहीं मिलती। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बुलेट आप देख रहे हो, BS6 प्रॉपर बुलेट देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्लिक देखने को नहीं मिलती। जो इंजन वाइज, अगर डिजाइन वाइज, बॉडी लैंग्वेज अगर बोलते हो, लेकिन बहुत सालों से पहले जब लॉन्च हुई थी उस वहां से अभी तक जैसे कि जैसे है वैसी रही है, कोई मतलब चेंजेस नहीं मेजर से। अभी सामने अभी लेके चलता हूं, तो यहां पे जो इग्निशन की वार्निंग यहाँ पे दिखाई पड़ती है, पूरा मतलब स्वाइप अप होता है वन टच के साथ, यहाँ पे 190 की स्पीड, टॉप स्पीड देख सकते हो। मतलब ये जो बुलेट नॉर्मली जो लेते हैं बंदे, जो यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियो में जो रहते हैं, प्रेफर करते हैं बंदे, वो लेते हैं ऐसी बाइक पर्टिकुलर। जो पर्टिकुलर बंदे रहते हैं गांव खेड़ों में, ऐसी बाइक लेना प्रेफर करते हैं जो बुलेट आमतौर पर जानी जाती है। स्पोर्ट्स नेकेड बाइक तो हाईवे वगैरह की क्रूजिंग करते हैं वो ही ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लेते हैं। एन जैसी गाड़ियों में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होती, ये सिर्फ दिखावट के लिए होती है गाड़ियाँ। अभी ये 350 cc गाड़ी है, वो ऑन रोड जो माइलेज है वो 38 kmpl का जो है वो गेन कर लेती है। मतलब रॉयल एनफील्ड जो खुद क्लेम करती है वो 46 या फिर 47.8 kmpl का माइलेज क्लेम करते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हो छोटा सा डिस्प्ले आता है, एन की बेजिंग आती है, न्यूट्रल मोड वगैरह सब दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस, पूरे के बैटरी की वार्निंग हो, ABS की वार्निंग हो, ये दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो है ट्रिप मीटर वगैरह सेट कर सकते हो यहाँ से, ये 45 की रेंज दिखा रहा है, मतलब 456 यहाँ पे बच चुके हैं। यहाँ पे जो है क्लॉक वगैरह दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक छोटा मोटा कर दिया है, और नेविगेट भी होता है। यहाँ पे जो है वो टॉप एंड वेरियंट उसका लेते हो, रॉयल एनफील्ड का थंडरबर्ड लेते हो, या फिर जो है वो कॉन्टिनेंटल लेते हो, या फिर अभी आई हुई है नासिक में हंटर, तो हंटर की बेजिंग यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बेजिंग आप जगह जगह देख सकते हो, इग्निशन की वार्निंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों मिरर मिलता है, सॉफ्ट कुशनिंग मटेरियल मिलता है, और पीछे रॉयल एनफील्ड की बेजिंग यहाँ पे मिल जाती है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे लुक निकल के आता है बाइक का। मतलब मॉडर्न सी लगती है, अभी भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोवा वोवा जाना हो, मारना हो यहाँ पे एक हाथ ट्रिप, तो ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बाइक प्रेफर ज़्यादा बंदे करते हैं, फॉरनर्स भी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो है वो 350 cc प्राइस सेगमेंट में आपको रेंज में दिखाई पड़ती है, जो काफ़ी हद तक तगड़ी मानी जाती है बाइक। अभी भी गोल मटल दिए के साथ आती है, राउंडेड जो है वो स्पेस के साथ आती है, और मज़ा आ जाता है ऐसी बाइक देख के। अभी ये जो है वो थर्ड पार्टी, आप देख सकते हो कि ये जो है इग्निशन पे यहाँ पे सेटअप लगाए हुए है, जो दिए देख रहे हो ग्रीन टाइप से, मतलब बड़े ऐसे एग्रेसिव लुक दिखता है, मतलब ग्रीन जो है वो थर्ड पार्टी लगाया हुआ है एक्सेसरीज के तौर पर। नीचे अगेन बात करते हो टायर प्रोफाइल, आपको
बड़ी चौड़ी मिल जाती है, जो विड्थ वाइज अगर बात करते हो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। यहाँ पे नंबर प्लेट की बेजिंग देख सकते हो, नीचे यहाँ पे पूरे के पूरे आपको रेट्रिपोटल डिस्क दिखने को मिलते हैं, वो भी ब्रैम्बो ब्रेक्स के साथ, यहाँ पे कैलिबर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा जो है वो रॉयल एनफील्ड का इंजन आप देख सकते हो, 350 सीसी का, और काफ़ी ऐसी तगड़ी बाइक दिखती है। मतलब अभी भी जो डिज़ाइन एलिमेंट की बात करते हो तो डिज़ाइन एलिमेंट 9-7-8 साल बीत जाने के बाद ऐसे की ऐसे ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए, मेजर चेंजेस नहीं हुए, लेकिन अभी भी स्टिल गाड़ी फेमस है। पीछे भी और आगे भी वैसे के वैसे टेल लाइट और हेड लाइट देखने को मिलते हैं, LED कोई देखने को नहीं मिलता। फंक्शन हैलोजन की प्लेसमेंट यहाँ पे है, दोनों के दोनों इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है वो क्रोम फिनिशिंग लगाई हुई है, फेक जो है कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट आते हैं, अभी जो है वो आफ्टर मार्केट जो है वो कस्टमाइज़ करके बड़ा आवाज़ वगैरह जो है वो रिस्पांस बढ़ा सकते हो, आवाज़ की लेवल बढ़ा सकते हो, लेकिन ये अभी इलीगल है करना क्योंकि साउंड डेसिबल की जो है वो RTO में लिमिट है। यहाँ पे जो है ग्रैब हैंडल अगेन टोइंग हुक के यहाँ पे तौर पर देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लैक फीस पूरा का पूरा इंटीरियर कर दिया है, और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की आपको बेजिंग देखने को अगेन मिल जाती है। यहाँ पे क्लच की ये जो है केबल है, और ये जो है वो पर्टिकुलर DOHC पे एयर कूल्ड 4 वाल्व का इंजन आप देख रहे हो रॉयल एनफील्ड का, करीबन 27 जो है वो 27 न्यूटन मीटर का पीक था और 21 BHP जनरेट करता है 3500 RPM में। और ये इतनी फेमस हो चुकी थी क्लासिक अपने जो है प्राइस सेगमेंट में कि इसकी इसका जवाब नहीं, मतलब अभी हंटर आई है 350, इससे कंपेयर करते हो हंटर तो इसकी सेल अभी भी कम नहीं हुई, जो हंटर की सेल अभी बढ़ रही है, लेकिन ये जो है वो अगर चेंज करवा देते तो इसकी अभी जो है वो BS6 में आवाज़ चेंज हुई है, थोड़ी आवाज़ साइलेंट हो गया, अभी किक निकाल दी, लेकिन जो डिज़ाइन एलिमेंट है पैटर्न है वैसे के वैसे रख दिया। यहाँ पे क्लासिक 350 बुलेट जो है वो अभी भी स्टिल फेमस, ग्रीन कलर में आप डार्क ग्रीन कलर में देख रहे हो, 6 कलर आते हैं वैसे, चॉकलेट वगैरह कलर ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जो है वो रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी क्लासिक जो बुलेट देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।